ठीक है। कानपुर, कानपुर एसएससी मेंस की तैयारी करते थे, लखनऊ और कानपुर में मेंस के लिए मैं पढ़ा हूँ सर। ऐसे अर्थमेटिक का क्यों टेंशन ले रहे हैं आप लोग? अर्थमेटिक का टेंशन लेना ही नहीं आपको, ठीक है? जो चीज़ पढ़ाया जाएगा उससे उतना ही बस पढ़िएगा, उससे हो जाएगा। अच्छा, ग्रुप डी और एनटीपीसी सीवीटी टू वाले भी हैं बहुत सारे लोग। तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और मेंसुरेशन और ज्योमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री आपने बड़ा लेवल तो देख लिया, अब 15 घंटे का वीडियो है, अभी 5 घंटे का और उसमें पढ़ना बाकी है, जो अभी आपको पढ़ाया जाएगा उसमें 5 घंटे और। लेकिन जो ट्रिग्नोमेट्री मैं आपके बैच में पढ़ाऊंगा, जो कि बहुत सारे लोगों को उसमें समझ ही नहीं आया होगा, क्योंकि उस लेवल तक चीज़ें बताई गई थी जो शायद आपके ज़रूरत से बाहर की चीज़ें भी थी उसमें, जो मतलब कुछ एक्स्ट्रा लेवल तक ले गया था। लेकिन जो आपके बैच में पढ़ाया जाएगा वो 3 घंटे का होगा मैक्सिमम से मैक्सिमम। उस 3 घंटे की वीडियो अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको इस एक्स्ट्रा करने की कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी, उस 14 घंटे को भी पढ़ने की जरूरत नहीं। लेकिन 14 घंटे वो लोग जरूर पढ़ेंगे जिनके पास समय हो, या जिनको और भी एग्जाम देना है, CBT 2 भी देना है, कई तरीके से सोचना है, तो वो उसको पढ़ सकते हैं। हाँ, यूट्यूब पे अपलोड है, आप लोग पढ़ लीजिएगा जिनको भी करना है। हाँ, कोल्ड देखिए इस समय बहुत तेज़ फैल रहा है, कोल्ड, ओमिक्रोन, ये सब चीज़ें तो बहुत होती रहेंगी। देखिए, इस बार का बहुत ज़्यादा वो तो नहीं है, सभी लोग प्रॉब्लम आ रही है, गलत मुझे 3-4 बार प्रॉब्लम। 3 घंटे की क्लास जो होगी आपकी आज नहीं, जैसे आज और कल, एक दिन हम करेंगे आपका थोड़ा सा थ्योरी और 3 घंटे के साथ हम 4 घंटे भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं, क्योंकि एक क्वेश्चन आता है इससे आपके एग्जाम में लगभग आप देखा जाए तो ज्यादा नहीं क्वेश्चन, कम से कम मान के चले कि 100 के अराउंड क्वेश्चन आपसे आए हाइट एंड डिस्टेंस को मिला के, 100 मैंने ज्यादा लिखा है। तो जिसका रूल अगर देखा जाए तो अर्थमेटिक के चैप्टर से भी कम है आपके एग्जाम में, स्पेशली ग्रुप डी के एग्जाम में। तो इसमें मार्क्स आना बहुत आसान भी है, और इसमें क्या हर चीज पढ़ना नहीं, हर चीज पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ आइडेंटिटी पढ़ना है, कंप्लीमेंट्री एंगल पढ़ना है, हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ना है, कुछ फॉर्मूले पढ़ना है, 4 चीज पढ़ लीजिए, ट्रिग्नोमेट्री आपका कंप्लीट है। 4 चीजें, ठीक है, पढ़ना है आइडेंटिटी पढ़ना है, कंप्लीमेंट्री एंगल पढ़ना है, हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ना है, और एक चीज पढ़नी होती है कुछ बेसिक फॉर्मूले जो होते हैं बस। इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा जानने की जरूरत नहीं ट्रिग्नोमेट्री में क्या है कि नहीं है और क्या चीज होती है, बहुत डिटेल जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो कंप्लीमेंट एंगल को एंगल वाले क्वेश्चन आते हैं और आइडेंटिटी में आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन आते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस आपको पता है, इतना बेसिक है, तो वो सब चीजें हम कर लेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे क्या अभी? देखिए, आपको कुछ अलग से नहीं करना, मीन मोड मीडियम के चक्कर में नहीं पढ़ना, क्योंकि ग्रुप डी में बहुत रेयर क्वेश्चन आते हैं, लेकिन पढ़ाया जाएगा। 1-1 घंटे की क्लास होगी, 15 मिनट क्लास डालेंगे यूट्यूब पे मीन मोड मीडियम का, एक भी क्वेश्चन अगर छूट जाए उसे आप बताएगा, सिर्फ 15 मिनट, से ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी पढ़ने की। तो उस आपको अपने टॉपिक का टेंशन नहीं लेना, जो चीज आपको पढ़ाई जाए वही पढ़ेंगे, ठीक है? और उसके अलावा कुछ भी टेंशन देने की जरूरत नहीं है, ठीक है? हाँ, इस लेखपाल का, यूपी पुलिस का, दोनों का स्टार्ट होगा, दोनों के लिए तैयार रहेगा। हिंदी के लिए बिल्कुल आपका टेंशन नहीं लेना, हिंदी के लिए भी हम कर रहे हैं प्लान, हमारे साथ जो टीचर पढ़ाते थे हिंदी उनको मैंने बोला कि वो लखनऊ से आए और साथ में आप लोगों को पढ़ाए, ठीक है? तो अब हम करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत। तो सबसे पहला आज आपको एक चीज पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्री में कि एक आइडेंटिटी के बारे में पढ़ना, आइडेंटिटी में तो सर्वसमिका आइडेंटिटीज, ठीक है? देखिए, कुछ हम थ्योरी में बात नहीं करते हैं, ठीक है? बहुत ज्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं है, क्या क्या चीजें होती है, ठीक है? उसमें कहाँ से ट्रिग्नोमेट्री आया, ट्रिग्नोमेट्री वर्ड कहाँ से बना, सब चीज जानने की जरूरत कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो आपके एग्जाम में आएगा सब वही पढ़िए। 3 ही हमारे पास होते हैं आइडेंटिटी, एक होता है सबसे पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, क्यों होती है ये भी बताएंगे हम आपको। दूसरा होता है हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ग्रुप डी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आया, ठीक है, आइडेंटिटी से। और तीसरा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, थीटा कोई भी एंगल हो सकता है सेम, वो थीटा के जगह पे 10 रख लीजिए, 15 रख लीजिए, 20 रख लीजिए, दोनों जगह सेम सेम कुछ भी रखेंगे, ये वैल्यू हमेशा 1 आती है। आइडेंटिटी का मतलब सर्वसमिका, सर्वसमिका का मतलब कोई भी एंगल यहाँ रखेंगे तो 1 आएगा, मतलब 1 आएगा, ये फिक्स है। कुछ भी एंगल रख लीजिए इस थीटा के जगह पे, यहाँ पे 30 रख लीजिए, यहाँ पे दोनों जगह 90 रख लीजिए, दोनों जगह 0 रख लीजिए, दोनों जगह जो भी रखना होगा रखना हो, 30 30 45 45, 31 31, 11 11 12 12, जो भी रखेंगे ये 1 देगा, मतलब 1 देगा, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं सर्वसमिका, जो हर एक एंगल पे सेम वैल्यू देती है उसको बोलते हैं आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, एंगल पे कोई फर्क नहीं, एंगल से फर्क पड़ने से वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता, इसलिए हम क्या बोलते हैं आइडेंटिटी। हाँ, एग्जाम पॉइंट से इसी चीज करेंगे हम, देखिए इन तीनों से ही क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। अब अगर किसी को जानना ये बनता कैसे है तो थोड़ा सा चीजें आपको इसके पीछे में ले जाता हूँ, कहाँ से आता है, इसे क्वेश्चन नहीं आएगा, सिर्फ आपके नॉलेज के लिए, बेसिक नॉलेज के लिए। हमारे पास पाइथागोरस का फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर में एच स्क्वायर, जो किस किस से बनता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल से बनता है, एक 90 डिग्री हमारे पास, अगर ये पी है, ये बी है और ये एच है, और इसको मान लेते हैं कि थीटा है, ये वाला क्या मान लेते हैं थीटा, थीटा यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? तो यहाँ थीटा होगा तो इसके सामने वाला लंब, अगर यहाँ थीटा होगा तो इसके सामने वाला लंब, तो लंब कभी भी बदल सकता है, परपेंडिकुलर और बेस आपस में चेंज हो सकते हैं, कोई इससे दिक्कत नहीं है, यहाँ भी थीटा रखेंगे इसके सामने होगा, यहाँ रखेंगे इसके सामने होगा। अब इसमें क्या होता है, इनका रेशियो होता है ट्रिग्नोमेट्री में, अनुपात होते हैं इन भुजाओं का, कि किसी किसी भुजा का अनुपात का नाम दिया गया, जब ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत हुई या जब ट्रिग्नोमेट्री सब्जेक्ट खोजा गया था तो उस समय हुआ कि इनके रेशियो का नाम क्या दें, तो सब लोगों ने सोचने लगा, जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री की खोज की उन्होंने बताया कि अगर पी और बी होगा एक साथ क्या होगा, ये अनुपात होगा, अगर परपेंडिकुलर के साथ हम बेस का अनुपात बताएंगे, इन दोनों का अनुपात ऐसे याद करने में लोगों को बहुत दिक्कत हो रही थी, तो इन्होंने पी बी का नाम दे दिया कि साइन नाम रख देते हैं, साइन नहीं टेन नाम रख देते हैं, क्या रख देते हैं टेन, और ही बात इसके साथ एंगल लगाना जरूरी था जिससे पता चले कहां से देख रहे हैं, तो ये थीटा लिख देंगे इसका मतलब इसके सामने से देखा, तो थीटा तो एक अलग एंगल होगा, बदल भी सकता है, थीटा का अल्फा गामा बीटा जो चाहे वो रख लेते हैं, तो कुछ नाम आपको बस याद होना चाहिए, जैसे इसका इसका अनुपात होगा तो ये टेन होगा, अगर इसी पी के साथ एच का अनुपात रखेंगे तो ये होगा साइन होगा, ठीक है, और अगर इसी बी के साथ अगर हम इसमें एच का अनुपात रखें तो ये हमारा कॉस हो जाएगा, ठीक है, ये अनुपात हम बना सकते हैं। अगर हम ये तीन अनुपात बन गया तो इन तीनों का उल्टा अनुपात भी खोजा गया, ठीक है, जैसे ये पी वाई बी का अनुपात 10, पी वाई एच का अनुपात इसका अनुपात साइन नाम रखा गया और इसका अनुपात कॉस रखा गया, इसको आपको पहले से भी पता है, लाल बटे कक्का से लोग याद करते हैं, लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण और आधार बटे कर्ण, अगर ये रेशियो मिलेगा इसके अलावा कोई रेशियो बनेगा नहीं बनेगा इस एंगल में, क्योंकि भुजाओं का क्या है ये अनुपात है, ये टेन कोई अलग नई चीज नहीं है, ये तो नाम से रखा गया, तो टेन का मतलब था कि इन भुजाओं के बीच का अनुपात बताया, साइन का मतलब कि इन दोनों भुजाओं के बीच का अनुपात बताया, और कॉस का मतलब था कि आधार और कर्ण का अनुपात बताएगा, तो उसको हम कॉस नाम दे देंगे, क्योंकि नाम अगर एक बनाया गया था जिस समय तो नाम पहले कुछ और भी नाम से रखा गया, ठीक है, और ये लोग अपने हिसाब से नाम रखते थे जब जिन्होंने खोज किया इसके बारे में, अभी हम डिटेल में जा रहे हैं, तो इसमें बता सकता हूं हर चीज क्या कैसे हुई थी उत्पत्ति इनके, लेकिन उसको जानने से आपको क्या फायदा, और ना तो उसको पढ़ने से कुछ होने वाला है और ना ही जानने से भी कोई फायदा है, उसके लिए आप पहली क्लास आपने अपलोड नहीं किया था आपको, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डिटेल हो जाती है, वो अलग से यूट्यूब पर उसको आप देखेंगे, उन 14 घंटे में मैंने 5 घंटे भी नहीं अपलोड किए, ठीक है,
तो ये अनुपात हो गया, फिर इन्हीं का अनुपात को उल्टा कर दिया जाए तो एक अनुपात और बन जाएगा। जैसे अगर आप इसी को उल्टा कर दें एच बाई बी कर दें एच बाई बी, तो ये वाला एच को उल्टा बी को नीचे कर दे तो ये सेम तो है नहीं, तो कॉस के जगह हमने एक नाम और डाल दिया सेक, जो बोला गया कि इन दोनों का उल्टा होंगे। क्यों उल्टा होंगे? क्योंकि अनुपात उल्टा है तो ये दोनों भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल नाम आता है, व्युत्क्रम। तो व्युत्क्रम बोल सकते हैं कॉस और सेक व्युत्क्रम है। अगर बी के साथ अगर हम पी को उल्टा कर दें इस वाले को बी के साथ पी का, तो ये वाली वैल्यू जो हमारे पास आएगी, ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास बी के साथ पी को उल्टा करते तो टेन है, इसका अनुपात कॉट रखा गया। और जब एच के साथ पी का अनुपात उल्टा किया गया इस वाले को तो ये कोसेक बन गया, इसलिए ये दोनों उल्टा हो गए। ठीक है, तो ये अनुपात की खोज सबसे पहले हुई थी, इसी का उल्टा करने के बाद ये नाम दे दिया गया, ये कोई अलग नहीं आ रहा, खुद नाम रखा गया था। अब इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत हो गई कि अगर किसी ने बोला कि अगर हम साइन वाले अनुपात को कॉस वाले अनुपात के साथ डिवाइड कर दें तो क्या बन जाएगा, तो हमने देखा कि इसका अनुपात था कि पी बाई में एच और इसका अनुपात था बी बाई में एच, तो यहाँ से ये एच एच कर जाता था और ये बन जाता था पी बाई बी। तो फिर पी बाई बी का अनुपात पहले भी खोजा जा चुका था, उसका नाम अलग था, लेकिन पी बाई बी का जो अनुपात था वो क्या था, टेन था, इसलिए इसका नाम हमने क्या रख दिया यहाँ पे टेन रख दिया। इसको हम क्या बोल सकते हैं, टेन बोल सकते हैं। तो इसलिए फार्मूला की उत्पत्ति फिर से हो गई यहाँ से कि साइन थीटा के साथ अगर हम कॉस थीटा को डिवाइड कर दें तो ये हमारा टेन थीटा भी हो सकता है फार्मूले में, क्या हो सकता है फार्मूले में, जहाँ टेन थीटा है उसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन बटे कॉस लिख सकते हैं। और इसका उल्टा कर देंगे तो ये वाला फिर से टेन से कॉट बन जाएगा, क्योंकि टेन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो ये बेसिक जानकारी हो गई रेसिप्रोकल बोलते हैं। और ये कहाँ से बना था, ये बना था इसी वाले पाइथागोरस से, क्योंकि ये वाला हमारे पास क्या था, पी था और ये बी था और ये एच था और ये 90 था, ये थीटा था। तो ये पाइथागोरस होता है, पाइथागोरियन एक मैथमेटिशियन थे बहुत पहले के जमाने में, जिन्होंने इसके बारे में खोज की थी और कैसे हुआ था ये भी आप जान सकते हैं, लेकिन अभी नहीं। ठीक है, इसके लिए अलग से वीडियो में बनाया है कैसे ये फार्मूला बना था। ये बना फार्मूला ज्योमेट्री से, जितने भी फार्मूले बने थे, जितने भी फार्मूले, वो सभी फार्मूले का कहीं ना कहीं ज्योमेट्री से उत्पत्ति हुई है। मतलब ज्यामिति का ऐसा टॉपिक है पूरे मैथ्स का, जो हर एक मैथ्स के टॉपिक का अलग तरीके से आपका कहीं ना कहीं से इन्वेंशन का हिस्सा है। ठीक है, तो ये भी ज्योमेट्री का ही छोटा सा हिस्सा है ट्रिग्नोमेट्री, कि रेशियो का कुछ नाम देते हैं और एंगल के साथ जोड़ते हैं। ठीक है, ये कहीं ना कहीं से खोज हुई थी उसमें। तो अब इसमें फिर उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने रेशियो तो बना लिया, ये रेशियो तो बना लिया, नाम भी रख लिया, उसके बाद फिर क्या हुआ कि यहाँ पे इन्होंने आइडेंटिटी की खोज स्टार्ट हुई। आइडेंटिटी क्या होता है, खोजना खोजने बन गया गलती से, जो काम करते हैं कुछ ना कुछ बना लेते हैं कि अगर इसी पी में हमने पी स्क्वायर से भाग दे दिया सभी में, इससे पी स्क्वायर से सभी नंबर में, या पहले एच से भाग देते हैं, पी से तो बाद में देंगे, तो यहाँ से कुछ नई नई चीजें निकलने लगी। ठीक है, जैसे कि हमने इसमें एच स्क्वायर से भाग दे दिया, इसमें भी एच स्क्वायर से भाग दे दिया और इसमें भी एच स्क्वायर से तीनों में भाग दे दिया, तो भाग देने से कुछ चेंज नहीं होने वाला है। तो अब यहाँ जो हमने डिवाइड किया तो हमने एक रेशियो पहले से बनाया था, क्या बनाया था, कि जो पी और एच का अनुपात होता है वो क्या होता है, थोड़ा देर पहले से कहा था कि पी मतलब परपेंडिकुलर मतलब लंब और ये वाला कर्व, तो ये होता है साइन। तो ये इनका जो अनुपात होगा ना, ये साइन होता था। अब इनके ऊपर में स्क्वायर का साइन है तो ये स्क्वायर लगा लेंगे, साइन स्क्वायर, थीटा लगाना लगा लीजिए, नहीं लगाना तो साइन भी छोड़ सकते हैं, अंदर से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बी था और एच का अनुपात क्या था, कॉस का था, तो ये बन गया कॉस स्क्वायर, और इधर तो दोनों कट जाएंगे तो ये आ जाएगा वन। तो ये बन गया हमारा आइडेंटिटी का पहला फॉर्मूला। ठीक है, ये आइडेंटिटी का पहला फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ एंगल से हमने यूज किया, कहीं एंगल से कोई मतलब नहीं था, ये अनुपात है, तो इसलिए इसको आइडेंटिटी बोलते हैं कि हाँ एंगल फर्क नहीं पड़ता, एंगल कुछ भी रखिए, थीटा, अल्फा, गामा, बीटा, जो भी रखना हमेशा कितना आएगा, वन ही आएगा, क्योंकि ये तो कटेंगे ही कटेंगे। तो इसी तरीके से बारी बारी से डिवाइड करके निकाल सकते हैं इसमें तीनों आइडेंटिटी। अब ये पता चल गया कैसे बना था, पी स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर में कितना हो गया एच स्क्वायर। अब इसके बाद क्या हुआ कि अगर इस बार हम इसमें पी स्क्वायर से भाग देंगे, किससे देते हैं, पी स्क्वायर से, बारी बारी सबसे दीजिए, एक बार एच से दे दिया पी से देंगे, तो अब इस बार ये वाला कटेगा और कितना हो जाएगा वन। और बी और पी का अनुपात क्या था, बी और पी का अनुपात कि बेस के साथ अगर क्या बनेगा हमारा, बेस के साथ परपेंडिकुलर आएगा तो ये कॉट थीटा था, क्या था, कॉट, और इस बार कॉट का क्या बन जाएगा, स्क्वायर, थीटा चाहे तो थीटा लिख सकते हैं। एच और पी का जो अनुपात था, एच और पी का, ये साइन का उल्टा था, कोसेक, कोसेक का स्क्वायर थीटा बन जाएगा, इसको चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू वन। ठीक है, ये ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों की चीज़ें, स्क्वायर को चला देंगे तो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, हमने सरकारी नौकरी नहीं, सरकारी नौकरी मजा नहीं आया मुझे, ओके, मैंने ट्रेनिंग तो किया है बहुत सारे, पीपीएसआई किया है मैंने, सेंट्रल एक्साइज 2014 वाले में, उसके लिए भी तो कई सारे था, लेकिन जो मजा पढ़ाने में आता था तो फिर वो उसमें नहीं मिल पाया, और मैंने बहुत सारे लोगों को लगवाया है, तो फिर सारे लोग बताते हैं, अब आप जैसे लोग करेंगे ना वहाँ पे काम, तो कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं जहाँ हमारे स्टूडेंट नहीं काम करते, वो इनकम टैक्स हो, सेंट्रल एक्साइज हो, रेलवे हो, यूपी पुलिस हो, या यूपीएसआई हो, हर जगह, हर स्टेट में होंगे, हर स्टेट छोड़िए, हर डिस्ट्रिक्ट में यूपी में, तो लोग यूपी की तरह करते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग जो आपके साथ पढ़ेंगे और सेलेक्ट हो गए होंगे, जो लोग पढ़ेंगे। दूसरा हमारे पास क्या, हमने इसी फॉर्मूले में हमने फिर से दिया, तो ये पाइथागोरस वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, और बराबर में एच स्क्वायर, इस बार हमने बी से भाग देने की कोशिश करते हैं, बी से, तो बी स्क्वायर से यहाँ भी, बी स्क्वायर से यहाँ भी, और बी स्क्वायर से यहाँ भी, एक तीसरा बन गया परपेंडिकुलर मतलब लंब बटे आधार जो था वो टेन था, तो ये बन गया टेन स्क्वायर प्लस वन, और ये वाला बन जाता है सेक, सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ इसको चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर और टेन स्क्वायर को एक तरफ, सबसे इंपॉर्टेंट यही वाला, अगर ग्रुप डी के हिसाब से देखते हैं या किसी भी एग्जाम के हिसाब से देखते हैं तो ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछा था। ठीक है, तो ये बन गए हमारे पास तीन आइडेंटिटी के फॉर्मूले, और आज आइडेंटिटी हम लोग पढ़ने वाले, तीनों को मैंने फिर से लिखा और फिर से क्लास की शुरुआत यहाँ से होगी। ठीक है, ये तो हो गया पीछे की बात है, जो थोड़ा जानना चाहिए आपको, कॉमन चीज जिसकी वैल्यू वन होती है। दूसरा हमने क्या लिखा था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू वन होती है। तीसरा हमने लिखा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू वन होती है। ठीक है, ये तीन चीजें हमको यहाँ पे मिल गई। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या पूछा सकता है उस पर चर्चा करते हैं। देखिएगा, सबसे पहला वाला आइडेंटिटी, सबसे पहला बेसिक वाला, कि इसका यूज क्या होगा, मतलब आपके एग्जाम में इसका यूज क्या हो सकता है वो समझिएगा। ठीक है, तो एक यूज यही है कि कहीं भी अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिल जाए हमको, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, वन लिख सकते हैं। अगर साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा अगर हमको मिल जाए, इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, वन लिख सकते हैं। रिमाइंडर ऑफ 3 to the power 10/7, तो इसमें क्या दिक्कत है, 3 to the power 10 में अगर हम 7 से भाग देते हैं, पहला चीज तो ग्रुप में रिमाइंडर क्वेश्चन नहीं पूछेगा अभी तक। ठीक है, तो बहुत दिमाग लगा है, मैंने पता नहीं, तो ये होता है फॉर्मेट सूत्र, जो नीचे में कोई प्राइम नंबर आ जाना, प्राइम नंबर मतलब फॉर्मेट भी हमारे पास क्या था, मैथमेटिशियन थे, तो उन्होंने ये बताया था कि नीचे में कोई प्राइम नंबर, प्राइम नंबर समझते, प्राइम नंबर का मतलब हो गया कि ऐसा नंबर जो जिसका फैक्टर नंबर 2 ये 1 हो या तो कुछ करते, तो बोले कि भाई 7 है ना, तो इससे ऊपर जो 3 to the power 6 से भाग देंगे, 3 to the power 4 से अलग अलग कर लीजिए, जब इसमें भाग देंगे तो हमेशा बनी आएगा, तो अगर 7 है तो अगर यहाँ पावर 6 रहेगा तो हमेशा रिमाइंडर बनाएगा। अब 3 to the power 4 हमारे पास 81 होता है, 81 में 7 से डिवाइड कर लीजिए, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 + 7, और ये वाला हमारे पास कितना यहाँ पे 11 बज जाएगा, 11 to 7 + 7, तो ये फिर एक बार जाएगा और ये बच जाएगा हमारे पास कितना, 5 to 4 बजेगा, 4 बजेगा तो 4 मिनट बजेगा। ठीक है, ये छोटा क्वेश्चन अभी नहीं, बाद में आप क्वेश्चन पूछेगा, इसका क्वेश्चन था संजय कुमार। ठीक है, डाउट भी बताया जाएंगे, थोड़ा सा वेट करिए, डाउट के लिए अलग से क्लासेस भी रखेंगे और आपके क्लास में भी बताया जाएगा। इसका यूज पहले समझेगा, ये पहला ही हमारे पास यूज यही है कि जहाँ ये मिल जाए वहाँ पे हम इसके जगह पे बन सकते हैं, कहीं भी क्वेश्चन दिख जाए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर अगर हमको कहीं लिखना है तो उसके जगह पे बन सकते हैं, थीटा के जगह पे कुछ भी आ जाए, हाँ थीटा के जगह पे कुछ भी आ जाए, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं। अब इसके अलावा अगर देखा जाए हम लोग नेक्स्ट में, हाँ नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, अगर नेक्स्ट चर्चा हम करें दूसरा अगर, तो क्या इसको ऐसा लिखा सकता है, कोई लोग बताएं हमको क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं कि कहीं साइन स्क्वायर थीटा का मान लिखना होगा अगर कहीं भी क्वेश्चन में, तो इस कॉस को इधर भेज देंगे तो 1 माइनस
कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, जहां साइन होगा उसके लिए साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ना तो ये क्यूब में काम करेगा ना तो पावर 1 में, ये सिर्फ इसके लिए है स्क्वायर के लिए, तो स्क्वायर में ही ध्यान रखेंगे। तो अगर ये वाला कॉस इधर चला जाएगा तो ये बन जाएगा, मतलब हम साइन के जगह पे ये भी लिख सकते हैं अगर जरूरत पड़ी तो। तीसरा हम इसका यूज कर सकते हैं, कहीं अगर हमको कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो साइन वाले को इधर ले जाएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी हो सकता है, तो ये भी यूज हो गया एक तरीके से, कहीं ना कहीं बेसिक यूज हो गया, बहुत कॉमन यूज। ये दो यूज तो हमने, तीन यूज तो देख लिया, चौथा जो है ना इंपॉर्टेंट शुरू होता है यहां से, फोर्थ यूज थोड़ा सा समझिए इसको, कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर हमने लिखा था अभी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा अलजेब्रा में, नहीं पढ़ा तो यहाँ देख लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जिसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी, ऐसा लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इस वाले फॉर्मूले में अगर 1 के पावर कुछ नहीं है तो हम 2 लिख सकते हैं क्या अपने से, तो ये साइन थीटा जो था ना इसको 2 बार लिख सकते हैं, क्योंकि साइन थीटा इनटू में साइन थीटा, क्योंकि 2 बार लिखा जा सकता है, क्यों 2 बार, क्योंकि पावर में 2 है, और इधर वाला इस फॉर्मूले में ब्रेक कर लेते हैं, एक ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा और एक ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, ऐसा लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा और एक ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। अब ये दो इसी फॉर्मूले को बस इस तरीके से लिखा है। अब इसके बाद क्या होगा, ये साइन थीटा जो था इधर वाला, इसके नीचे में हमने प्लस वाला उठा के इसके नीचे रख दिया था, क्योंकि बराबर में है तो इसको नीचे लगा रखेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास क्या, ये बन जाएगा हमारे पास 1 प्लस कॉस थीटा, और इधर जो बचा था ये वाला इसको यहीं छोड़ देते हैं 1 माइनस कॉस थीटा, और ये वाला साइन इधर ले जाएंगे तो ये वाला हमारे पास नीचे में साइन थीटा, तो ये बन गया हमारे पास एक क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपसे बस यही पूछता, साइन थीटा अपन 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो बोलेंगे 1 माइनस कॉस थीटा, अगर यहां प्लस आता है माइनस आ जाएगा, साइन ये वाला नीचे आ जाएगा बस, ठीक है, अगर ये माइनस में आता है यहां वाला प्लस आता है यहां साइन आता है, ये दोनों देख लेंगे, अगर यहां माइनस आएगा तो यहां वाला प्लस, अगर यहां वाला प्लस आएगा तो यहां वाला माइनस, साइन तो इधर ऊपर इधर वाले नीचे, ये सीधा क्वेश्चन होता है एग्जाम में, क्वेश्चन ये दिया जाता है, ये ऑप्शन दिया जाता है, इसके लिए कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, बहुत सारे लोग डिवाइड करके अलग अलग निकालते हैं, तो ऐसा हो सकता है इसको एक और रूप में लिख सकते हैं, देखिए रूप हो सकता है ऐसे लिखेगा, अगर इसको मैं इसमें भी डिवाइड कर सकता हूं और इसमें भी, कभी भी अगर ऊपर में होता है कोई नंबर तो उसमें सब में डिवाइड होता है, तो इस 1 में डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन साइन थीटा, और इस कॉस में डिवाइड करेंगे तो इसको कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। अब हम आते हैं अपने रेशियो पे जिसको हमने पढ़ा था, तो 1 अपॉन साइन जो होता है ना ये उल्टा था किसका, कोसेक का, या कोसेक साइन का उल्टा था, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कोसेक थीटा, और कॉस बटा साइन भी हमने पढ़ा था कि होता है कॉट या टैन, अगर ये साइन बटा कॉस होता तो टैन होता, और अगर ये कॉस है तो क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा कॉट थीटा, तो ऐसा भी लिखा जा सकता है, मतलब इसके बराबर में ये तो होगा ही होगा, ऐसा भी आंसर हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, कौन सा फॉर्मूला यूज, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 वाला, ठीक है, तो उसी से हमारे पास हुआ। हाँ ये डायरेक्टली आपको मिलता है एग्जाम में, कई बार मिलता है, और ये अगर यहाँ साइन वाला बन जाएगा तो 1 प्लस साइन होगा, अगर यहाँ 1 प्लस साइन कर देंगे तो यहाँ पे ऊपर में कॉस आएगा, तो ये देख के निकालेंगे आप, इसका गुणा करने पे ये बनना चाहिए और इसका गुणा करने पे ये वाला बनना चाहिए, तो कॉमन तरीके से देख सकते हैं। अच्छा और आगे चलिए, इसमें और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बेसिक वाले हमारे पास होते हैं। दूसरा चीज़ में हमारे पास क्या मिलता है कि कभी कभी हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा, पांचवा यूज देखिए इसका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो किस कभी कभी आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, साइन थीटा इंटू में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू में कॉस थीटा बराबर में 1, बराबर में 1, बराबर में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये क्यों लिखे हम ये समझेंगे थोड़ा देर में, आपको समझ में आएगा, क्या समझ में आएगा कि अगर मैं कहीं क्वेश्चन में ऐसा लिख दिया, ऐसा कैसा, अगर मैं लिख दिया 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा बराबर में 5, और आपसे पूछा कि बताइए साइन थीटा का मान कितना होगा, क्या होगा साइन थीटा का मान कितना होगा, तो कैसे करेंगे इसको समझिएगा, हमेशा हमेशा इसको लगाने का तरीका समझिए, ये वाली वैल्यू जो होगी ना, अगर इसको मैं उसी फॉर्मूले पे लिखूं जो फॉर्मूला हमने लास्ट में लिखा था, कि अगर इस 3 को 3 कर देते हैं, लिख सकते हैं क्या, अगर इन सभी में 5 से भाग दे दूं, किसे 5 से, 5 से और 5 से, तो ये वाला बन जाएगा 3/5 साइन थीटा, ये वाला बन जाएगा 4/5 कॉस थीटा और बराबर में 1, और ये 1 कहां मिलता है हमको, ये वाली 1 हमको कहां मिलती है, जब हम फॉर्मूला लिखते हैं, कौन सा वाला, अभी भी लिखा हमने कि साइन थीटा इंटू में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू में कॉस थीटा बराबर में 1, ये फॉर्मूला पढ़ते, तो ये वाला इसके बराबर तो है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इस कॉस की वैल्यू कितनी आ गई 4/5 और साइन की वैल्यू कितनी आ गई 3/5 हो गई, तो साइन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/5 हो जाएगी, ऐसा आपको मिलते हैं बेसिक बेसिक, तो हम इस तरीके से कंपेयर करके भी निकाल सकते हैं। वैसे अगर देखा जाए ध्यान से तो हमको ये भी करने की जरूरत नहीं पड़ती है, एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर हम लिखा से 5 साइन थीटा प्लस 12 कॉस थीटा, हमेशा ट्रिपलेट बन गया था, पहला चीज तो ये भी समझिएगा, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, हम पहला चीज इधर 1 बनाएंगे, क्या बनाएंगे 1, तो 13 से भाग दे देंगे, 13 से भाग दे देंगे और 13 से, तो जो साइन के साथ वैल्यू आती है वो साइन की वैल्यू होती है, जो कॉस के साथ वैल्यू आती है वो आती है कॉस की वैल्यू, इतना बस आपको याद होना चाहिए, अगर साइन कॉस दोनों पता चल गया तो फिर हम क्या करेंगे, टेन भी निकाल सकते हैं, कॉट भी निकाल सकते हैं, सेक भी, सबका इसी हमको पता है, लेकिन अगर दोनों को डिवाइड कर देंगे तो टेन बन जाएगा, ये पता, अगर इसको इसमें डिवाइड कर लेंगे तो कॉट बन जाएगा, इसका उल्टा कर देंगे तो कोसेक बन जाएगा, इसका उल्टा कर देंगे तो सेक बन जाएगा, कुछ बचता नहीं इसके अलावा, ठीक है, यही तो हमारे पास 5/5 है, ठीक है, तो वो सारा निकाल सकते हैं, एक भी पता चल गया तो सबके सब वैल्यू निकल जाएंगे, तो एक क्वेश्चन तो यही हमारा शुरुआत होता है यहाँ से, ठीक है, इस वाले फॉर्मूले में साइन और कॉस वाले में, और इससे ज्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं बनते हैं, और जब भी मिलेंगे इन्हीं पांचों में से कहीं कहीं घुमा हुआ क्वेश्चन आपको मिलने वाला, ठीक है, और कहीं कहीं इसका इंडायरेक्टली यूज हो सकता है, इंडायरेक्टली यूज में क्या होगा वो भी देख लेते हैं, कि इंडायरेक्टली यूज में क्या होता है, इंडायरेक्ट यूज में क्वेश्चन, ठीक है, अभी हम करते हैं दूसरे वाले आइडेंटिटी की बात, दूसरा वाला आइडेंटिटी हमारे पास क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर में 1, इससे सबसे ज्यादा कुछ मिलता है इसमें क्या होगा कि अगर आपको पहला यूज तो यही हो गया खुद ही, कहीं पर ये मिल जाए हमको, तो इसके जगह पे हम 1 लिख देंगे, ठीक है, क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे, और ये कई बार पूछा गया, एक बार नहीं, कम से कम मान लीजिए 20 बार ज्यादा क्वेश्चन सभी एग्जाम मिला देखा जाए तो 20 का और भी ज्यादा बार पूछा गया है, कहीं कहीं डायरेक्टली सिर्फ यही क्वेश्चन, मतलब सीधा सीधा यही पूछ लेता है, कैसे थोड़ा देखिए, क्या डायरेक्ट पूछा नहीं, ऐसे देता है अब से ऐसे देता है, डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे बनाता है, क्वेश्चन समझिए, वैसे क्वेश्चन के लैंग्वेज को, सेक के पावर 4 थीटा माइनस टेन के पावर 4 थीटा बराबर में 2/3, और आपसे पूछता है निकालिए sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान, ये सबसे बेहतर क्वेश्चन में है, मतलब कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जाम में, कई बार आ चुके हैं, ठीक है, तो ये आपके माइंड में सेट हो जाना चाहिए, इसका आंसर भी सेम ही आता है हर बार, अगर ये 2/3 है 2/3 आएगा, 4/3 है 4 आएगा, कोई पॉइंट में लेता है कि 1.2345 ऐसे, तो ग्रुप डी में स्पेशली, तो ये वाली वैल्यू भी वही होगा, तो ये दोनों हमारे पास क्या होते हैं कि सेम सेम वैल्यू होता है, कैसे होता है सेम ये समझिएगा, अब इसमें भी एक फॉर्मूला लगता है वो वाला जो फॉर्मूला हमने देखा था शुरू में, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको क्या लिखते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी, ऐसा आपसे दिया जाता है, ठीक है, तो ये भी हमारा फॉर्मूला कहीं ना कहीं इस 4 को हम चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं क्या, सेक का स्क्वायर का स्क्वायर और इसको टेन का स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये 4 बन जाएगा, तो इस फॉर्मूले को भी हम ब्रेक कर लेंगे, तो एक ब्रैकेट में सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा और एक ब्रैकेट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर में 2/3, तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, अब इसकी वैल्यू जो होती है ना इस वाले की,
इस वाले की वैल्यू हमको पहले से ही पता है कि ये तो वन ही होता है, ये वाली वैल्यू हमारे पास नहीं होती वन, क्योंकि इसकी वैल्यू हमारे पास आइडेंटिटी में हमको पहले से पता है, ये वाली वैल्यू बनाती है। तो यहाँ पे अगर वन रख देंगे तो ये इसी बराबर होगा, सिक्स स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू इनटू में वन बराबर में दो बटा तीन, तो यही आंसर आता है, तो सेम ही आंसर आता है। और यहाँ पे कुछ भी दे देता है, दो बटा तीन, चार बटा तीन, पांच बटा तीन, जो भी देगा ये सेम ही बनता है, चार वाला देखे हमेशा ये पूछता प्लस वाला, तो सेम ही हमको मिलता है। एक यूज तो ये होगा कि इसकी वैल्यू कहीं पर भी डायरेक्ट मिलेगी तो हम कर सकते हैं, इसी का यूज इंडायरेक्टली यूज देखते हैं। एक क्वेश्चन इस पर ऐसा दे सकता है आपसे, क्वेश्चन ऐसा कहीं लिखाओ सिक्स स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर में सात, ऐसे दिया मान लीजिए, और आपसे पूछा कि सिक्स स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, फॉर्मूला पता है तो लिख सकता है, लेकिन कॉमन सेंस की मैं बात करता हूं कि अगर ये दिया है और ये पूछा है या टेन पूछ ले या तो सेक पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, ठीक है, तो क्या करना चाहिए आपके माइंड में क्या आएगा सबसे पहले इसको लगाने का, क्या तरीका होगा? सभी लोग बताएंगे जल्दी से कितना होगा। एलएलबी की क्वेश्चन, मैं बाद में जुड़ा हूं तो कुछ क्लास छूट गया, तो आप पिछला क्लास देखिए ना, क्लास में जा सकते हो, रिकॉर्डेड वीडियो। वेट कर रहा हूँ आपके आंसर का, क्या कर रहे हैं आप लोग? बहुत ही छोटा सा चीज, अभी अभी आपको क्या पता गया कि हमको तो अभी यही पता है ना सिर्फ कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान तो वन होता है, तो जोड़ लीजिए इनको ना, ऐसे कट जाएंगे दोनों, जोड़ेंगे तो ये वाला आ जाएगा दो बार, टू सेक स्क्वायर थीटा बराबर में सात और एक कितना आठ आ जाएगा, तो दो से कट गया ये दो बार में, चार बार में, तो सेक स्क्वायर थीटा का मान आ गया चार, बस ये आंसर हो गया। अगर आपसे सेक थीटा पूछता एग्जाम में तो आप दो लिख देते, जो पूछता वो हो जाएगा, तो हमको ये पूछा था, ये बता दिया, कुछ नहीं किया मैंने इसमें, कुछ किया नहीं किया, अरे प्लस का मान पता था, माइनस का मान हमारे पास वन होता है, सात से बटा सात नहीं करना है ना, तो घटाना, ठीक है, कुछ भी नहीं, पच्चीस बटा सात आ गया पप्पू, हाँ कहाँ से ला दिया, सब लोग जल्दी जल्दी में गलत कर रहे हैं, ठीक है, इतनी भी जल्दी क्यों? बताइए हो जाएगा कैसा, सर ठीक मान दो आएगा, बिल्कुल सही है। दूसरा यूज देखते हैं, क्वेश्चन थोड़ा छोड़ते हैं, दूसरा यूज देखिए, यूज दूसरा क्या होगा इस फॉर्मूले का, बस फॉर्मूला पढ़ लीजिए, एक क्वेश्चन इससे मिलेगा, ठीक है, किसके सेट मिलेगा आप सोच लीजिए, सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर में हमारे पास क्या होता है वन, इसको भी फिर से इस फॉर्मूले पर अगर रखें हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले पे, तो ये ए प्लस बी और ए माइनस बी जैसा ये भी दिखने लगेगा, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, तो अगर इसको मैं ऐसा लिख दूं कि इसको ब्रेक कर दूं कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा एक ब्रैकेट में और सेक थीटा माइनस टेन थीटा एक ब्रैकेट में और बराबर में वन, बराबर में क्या होगा वन, तो यहां से अगर सेक थीटा और टेन थीटा का मान निकालना हो तो इस वाले को हमने इधर लेकर चलेगा, तो आ जाएगा वन अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इससे ये पता चल के आ गया कि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, इन दोनों का गुणा करने पे वन ही आना चाहिए, क्या आना चाहिए वन आना चाहिए, इन दोनों का गुणा करने पे हमको क्या चाहिए, हमको वन चाहिए, तो अब इसकी वैल्यू अगर पता होगी तो इसके निकालेंगे, क्योंकि हमको दोनों गुणा करने पे क्या चाहिए वन चाहिए, तो वन चाहिए, तो हमारे पास क्या होगा सर कि अगर इसकी वैल्यू पता होगी इसका बता देंगे, इसका पता होगा इसका बता देंगे, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करने पे वन ही आता है, या फिर एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगा, रेसिप्रोकल मतलब ये होता है कि अगर कहीं पे लिखा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर में पी, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का जो मान होगा वो हो जाएगा वन बाई पी, ये क्या आंसर हो जाएगा, और इस पर कम से कम दस बार क्वेश्चन आया है, दस बार ग्रुप डी में पूछा गया है, दस बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इसी टाइप का, नंबर अलग अलग देखे इसी पे क्वेश्चन में नंबर अलग अलग देखे, अगर प्लस का मान पता है माइनस का मान इसका, अगर माइनस पता है तो प्लस वाला, दोनों में काम करेगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान अगर हमको दिया मान लीजिए चार, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान हमारे पास कितना हो जाएगा एक बटा चार, ये आंसर हो जाएगा, अगर ये दिया है तो दूसरा वाला क्वेश्चन निकालेंगे, बस उसका उल्टा कर देंगे, कहीं हमको लिखा हुआ है सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान चार बटे तीन, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान क्या हो जाएगा तीन बटा चार, इसी का उल्टा कर लीजिए, दोनों की वैल्यू वन ही आना चाहिए, दोनों का गुणा करने आना चाहिए वन हो गया, तो एक क्वेश्चन लगा दिखाई सब लोग, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर में तीन, और फाइंड करिए आप सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी, टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, जल्दी से निकालें, हाँ लेख पाल का भी आएंगे, ले आएंगे, ठीक है, क्लास आज शाम से आपको डिटेल बताया जाएंगे। कितने लोगों का आ गया आंसर, अब बताइए मुझे, ठीक है, कितने लोगों का आंसर आ गया, अब बताएंगे, दो और एक, दो एक माइनस एक, अलग अलग आंसर क्यों दिख रहा है हमको सबको, ग्रुप डी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन से पूछेंगे, मैं बताऊँ कैसे करेंगे, देखिए कैसे, वैल्यू पुटिंग मतलब हमको प्लस का मान पता है तो हम माइनस का मान निकाल सकते हैं, सेक थीटा माइनस थीटा का मान, ये आ जाएगा एक बटा तीन, आएगा नहीं आएगा यहाँ तक सही, अगर प्लस का वैल्यू पता है तो माइनस की वैल्यू निकल जाएगी, और माइनस का पता है तो प्लस का निकाल सकते हैं, दोनों में से अब इन दोनों को सिर्फ जोड़ा करिए, जोड़ेंगे तो ये वाला कट जाएगा, और ये बन जाएगा टू सेक थीटा, और ये बन जाएगा तीन प्लस एक बटा तीन, कितना आ जाएगा नौ एक दस बटा में तीन, इस दो से कट जाएगा ये पांच बार में, और सेक थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी पांच बटा में तीन, अब सेक का रेशियो पता है तो आप टेन का रेशियो भी निकाल सकते हैं, टेन का पता है तो सेक का भी निकाल सकते हैं, एक तो ये बन गया हमारे पास, अब अगर इसकी वैल्यू पता है तो यहाँ रख देंगे तो टेन का माना जाएगा, यहाँ रख देंगे तो भी टेन का माना जाएगा, किसी क्वेश्चन में रख दीजिए, अगर सेक थीटा माइनस में टेन की वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है यहाँ क्वेश्चन में, इसकी वैल्यू हमारे पास पांच बटा तीन, तो पांच बटा तीन माइनस में टेन थीटा बराबर में एक बटा तीन, तो पांच बटा तीन माइनस एक बटा तीन बराबर में टेन थीटा, ये वाला इधर भेज दिया और ये वाला इधर ला दिया, तो ये घट जाएगा कितना आ जाएगा चार बटा तीन, इसकी वैल्यू कितनी आ गई टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी, तो पांच बटा तीन चार बटा तीन सीआर में आता बिल्कुल सही है, और बाकी लोगों के गलत भी है।
sec theta. अब देखिए डायरेक्ट लगाने का तरीका भी बताते हैं, डायरेक्ट लगाना चाहते हैं तो कैसे लगाएंगे, sec theta plus tan theta का मान हमने एक बना लिया, फार्मूला बनाते हैं आपके लिए, और तो sec theta minus tan theta का जो मान होगा वो होगा हमारे पास 1 by p होगा। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, ये फार्मूला बना रहा हूं, क्वेश्चन नहीं है, ये कट जाएगा, 2 sec theta की जो वैल्यू आ जाएगी वो p plus 1 by p आ जाएगी, तो p square plus 1 by में p, ये वाला दो इधर आ जाएगा, नीचे भेजेंगे तो sec theta का जो मान आ जाएगा वो p square plus 1 by में 2p, ये फार्मूला क्रिएट होगा sec के लिए, अगर आप फार्मूला चाहते हैं तो। रिप्लाई करते हैं, क्या रिप्लाई करेगा अभी बताइए, सभी कमेंट आ रहे हैं, जो आप सही करेंगे तो हम नाम लेंगे आपका, और इसी को जब घटाएंगे हम sec theta plus tan theta बराबर में p, और sec theta minus tan theta की वैल्यू हमारे पास 1 by p, अगर घटाएंगे तो ये वाला माइनस, ये वाला प्लस, ये वाला माइनस, इस बार ये कट जाएगा और ये बन जाएगा 2 tan theta, और ये p माइनस में 1 by p, और ये बन जाएगा tan theta का जो मान आएगा इसका गुणा होगा तो p square minus 1 बटे में 2p, ठीक है, ये बन जाएगा। हाँ सभी के पास कमेंट आ रहा है, ठीक है सभी, यहाँ तक ठीक, तो इसे आप फार्मूला भी बना सकते हैं, जैसे मान tan का मान के लिए फार्मूला याद करके भी रख सकते हैं, लेकिन आपके पास कॉन्सेप्ट अगर है तो फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा, अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन बात करें, एग्जाम में क्या पूछेगा, 2018 ग्रुप डी देखिएगा, 2018 ग्रुप डी पहला क्वेश्चन सीधा और भी आसान, सिर्फ इतना ही पूछा था कि sec theta थोड़ा कैलकुलेटिव है लेकिन ठीक है, tan theta बराबर में 12.5, और आपसे पूछा था sec theta माइनस tan theta का मान कितना होगा, कितने लोग लगा लेंगे बताइए, आंसर चलो दिया बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, इसका आंसर बताइए रवि, बिल्कुल सही था आपका, इसका बताइए, ये ग्रुप डी देखिए 2018 वाले, क्या देख के नहीं निकाल सकते, कुछ भी नहीं, बहुत ही आसान, बहुत ही लो लेवल का क्वेश्चन, ग्रुप डी में आते हैं, हाँ बहुत ही आसान, सभी के सही है, ठीक है सभी के सही है, लेकिन अब डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या दिया है, जैसे हमको पता है कि अगर ये वाली वैल्यू है तो इसी का उल्टा हो जाएगा, ये 1/12.5, बस इतना आंसर होना चाहिए था, लेकिन आंसर में थोड़ा सा इस पॉइंट को ऐसा नहीं लिखा था, इसको कोई ऐसा भी लिख सकता था, 2/25 जिन्होंने लिखा वो भी सही है, 2/25 भी लिख सकते हैं, अब इनको आपको डिवाइड करके आंसर दिया हुआ था, डिवाइड करना बड़ा टास्क हो गया सबके लिए, डिवाइड कैसे होगा, 25 से भाग देंगे 200 में तो कितने बार में जाएगा कटेगा, तो आप इसको भाग देंगे बहुत बड़ा टास्क, अरे पॉइंट लगा लीजिए, देखिए एक पॉइंट लगाने से एक जीरो बढ़ जाएगा, तो एक पॉइंट लगाने से भाग जाएगा, एक जीरो लगा लीजिए, फिर एक जीरो बढ़ जाएगा, 25 से कितने बार में 8 बार में, तो ये आंसर दिया था, तो ये भी सही है, ये भी सही है, और ये भी सही है, जो भी जिसको लिख दिया जैसा ऑप्शन में दिया होगा उसके हिसाब से करेंगे, ठीक है, हाँ तो पॉइंट में दिया था, पॉइंट में हम ऐसा लिख सकते हैं, इसको डिवाइड करेंगे 2 में भाग जाएंगे 1.5 लगेगा, फिर एक जीरो बढ़ देंगे 1.5 लगाने से, तो कटेगा, फिर एक जीरो बढ़ दिया और 8 बार में कट गया, बन गया ना, तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव दे देता है आपके ग्रुप डी में, बस इतना ही है, नहीं तो लगभग सेम ही होते हैं, हाँ एक और देख लीजिएगा, हाँ एक क्वेश्चन ये पूछा था ग्रुप डी में 2018 वाले में, 2018 ग्रुप डी, कल से क्वेश्चन आपको दिखेगा इसमें, टाइप कर लेंगे हम इसको, sec theta plus tan theta बराबर में दिया था 3.2, और आपसे sec theta पूछा था, थोड़ा सा ही ध्यान से निकालिएगा, ऑप्शन में लिख देता हूँ जिससे कि आपको आइडिया, मैं ऑप्शन देख लेता हूँ क्या क्या ऑप्शन दिया था, अच्छा ऑप्शन बहुत खतरनाक तरीके का ऑप्शन दिया हुआ है, अब आप खुद ही लगाएगा, पॉइंट में निकालना, बस मैं ऑप्शन लिखने का मतलब नहीं, बड़ा पॉइंट में ही आएगा, मतलब अगर ये पॉइंट में दिया तो पॉइंट में आएगा, फ्रैक्शन में नहीं आंसर, आप पॉइंट में लगा कितना आएगा, अप्रॉक्स आंसर आएगा, एग्जैक्ट देने की जरूरत नहीं है, करिए क्या ऑप्शन बन रहा है, इस बार अलग क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग पिछले वाले से, उसमें से उल्टा करना था, इसमें सेक का मान निकालना है, कहीं ना कहीं कैलकुलेटिव है उस वाले से, 4.2 तो पॉसिबल है, कभी भी ज्यादा सकता है, देखिए इन दोनों को जोड़ने पे ही 3.2 आता है, जब इसी का मान 2-3-4.2 बता देंगे तो ये वाला इसकी वैल्यू मतलब कुछ ही नहीं, माइनस में आ जाएगी, फिर तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा नहीं, ये सभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, ठीक है, तो महेंद्र कुमार मीना ने सही आंसर बता दिया है, एक लोगों का, बाकी और लोग भी ट्राई करें, और अजय राउत का भी सही है, आपका भी आंसर बताया आएगा, ठीक है, अरे कुछ नहीं करना है, सेक की वैल्यू दिया है, अब इसको चाहिए तो फ्रैक्शन में बदल लिया करें, कभी दिक्कत हो तो 3.2 को 32/10 लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, काटना चाहे तो काट भी सकते हैं, 2 से 5 बार, 2 से कितने बार, 16 बार, ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो sec theta माइनस tan theta का जो मान होगा ना वो इसी का उल्टा हो जाएगा, 5/16, इनको काट दीजिए ये वाले कट जाएंगे, 2 sec theta का जो मान आया, एक 16/5 और एक आ गया 5/16, अब इसमें दो इधर तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन हम उससे पहले इनको जोड़ लेते हैं, 16 × 16 256, 5 × 5 25, तो 256 + 25, और नीचे में देखिए ये 2 का गुणा कर लेते हैं, 16 + 80 और 160 आ जाएगा, अगर ये दो हटा देंगे तब, ये दो हटाएंगे तब नीचे में 160 होगा, एक लाइन में डायरेक्ट लिख दिया था, इनको जोड़ के देखना आगे 6, 5, 11, 1, 5, 2, 7, 1, 8, और ये वाला 2, 2 से 81/160, अब इससे डिवाइड करके 0 से तो ये पॉइंट तो लगी जाएगा, अब यहाँ पे आपको एक्जैक्ट वैल्यू निकालने की जरूरत है, कैसे निकालेंगे, क्योंकि पॉइंट में निकालना है तो ये ग्रुप डी है तो पॉइंट में ही पूछेगा आपसे, 0 को छोड़ देंगे हम, सिर्फ 16 से भाग देते हैं, तो 16 से एक ही बार जाएगा, इतना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 12 आ गया, अब हम भाग तो दे नहीं पाएंगे, तो एक को यहाँ निकाल लेते हैं, तो ये एक आ जाएगा, अब इसमें कितने बार जा सकते हैं, 7 बार जा सकते हैं, तो 7×6 = 2, 7×7 = 11, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास 8, 1, 9 आ गई, अब लगेगा पॉइंट, अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कितना 0, अब 16 से कितने बार जा सकते हैं, अब 16 से अगर ले जाएंगे तो 4 बार तो ले जा सकते हैं, तो ये 64 आ जाएगा, 5 बार जाता है ना, 5 बार तो 80 आ जाएगा, और कितना बन जाएगा 10 बन जाएगा, बाकी छोड़ देना आगे नहीं जाना है, और 10 ये जो 0 था इससे भाग देंगे तो ये पॉइंट एक बार ही आ जाएगा, तो लगभग 1.75 आगे भी जा सकता है, तो ऑप्शन में हमको एक ऑप्शन मिल जाएगा अलग से, खुद ही पूरा भाग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, हाँ कुछ लोगों ने पूरा डिवाइड कर दिया 1.75625 तक आएगा, तो ऑप्शन में अगर हमको एक ऑप्शन मिला था जहाँ से ये 1.7 से शुरू था, तो इसका आंसर ये होगा, बाकी हो सकता है आंसर कभी-कभी यहीं तक दे दिया आपको, ऐसा भी आंसर आता है, ठीक है, इसे बताइए पूछ लिया आपसे, तो सभी का सही था इस बार, एक दो लोगों को छोड़ दिया जाए तो सभी ने सही दिया था, एक दो लोगों को छोड़ दिया सभी का सही, बाकी मैं एक और क्वेश्चन लिखता हूँ, sec theta + tan theta बराबर 6 दिया, sec theta + tan theta का मान 6 दिया था, और आपसे पूछा था sec theta का मान क्या होगा, 2018 ग्रुप डी, बताइए क्या ये वही क्वेश्चन है, इजी वाला, इस बार तो बहुत इजी होगा, ठीक है, ये तो कर लिया गया बन जाएगा आपसे, अब कितना जल्दी बनाते हैं, अब डायरेक्ट सोचिएगा 6 × 36 और 137 और बटे में 2 तो रहेगा ही, 1/6 1/12
कमेंट्स हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, 3.0 तो उसके मर्जी के ऊपर है, कुछ भी दे दे, sec थीटा प्लस tan माइनस tan थीटा, तो माइनस tan थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/6, तो ये से कट जाएगा और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 2 sec थीटा, और यहां पे 6 × 6 = 36 और 1 = 37 बटे में 6 था, और ये वाला इधर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 37/12 हो जाएगा, 12 × 3 = 36, 3 × 1/12 ऐसा दिया था, मर्जी उसकी है, क्वेश्चन बनाने वाले के ऊपर, पॉइंट में नहीं दिया था, ऐसे दिया, अलग अलग है, ट्रिग्नोमेट्री तो हिंदी अंग्रेजी दोनों में सेम ही होती है, ट्रिग्नोमेट्री में दिक्कत नहीं आना चाहिए, और तो बहुत ही बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, जैसे ये पूछा था आपसे, अब डायरेक्ट मैं आप लोग आंसर बता दिया, जो जो पूछा गया, पूछा था sec थीटा माइनस tan थीटा, हो गया, एक और मैं लिख दे रहा हूँ, और देखिए क्या दिया हुआ है, sec थीटा माइनस tan थीटा दे दिया, 6 वाला कर दिया, एक और दिया था ऐसे, ये वाले सिंगल लाइन वाले हैं, तो पॉइंट में आंसर दिया था, बस नाम बताता हूँ, तो sec थीटा माइनस tan थीटा, तीसरा वाला आपको दिया हुआ था, इतने क्वेश्चन थे, sec थीटा माइनस tan थीटा दिया था, sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू 1/3, तो sec थीटा प्लस tan थीटा का मान आपसे पूछा था, और देख लेते हैं क्या क्वेश्चन था, sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू 4 दिया, ये भी पूछा है, सब ग्रुप डी वाले हैं, ग्रुप डी 2018 चारों चारों लगा लीजिए, सर ऑप्शन आता था देख के आंसर आया था, मैं ऐसे दिया हूँ जैसे आपको थोड़ी प्रैक्टिस में कुछ भी लिख लीजिए, इसमें उल्टा जाएगा 1/8, इसमें उल्टा जाएगा 1/25 2.5, इसमें उल्टा जाएगा तो 3, इसमें उल्टा जाएगा तो 1/4, बस ही होगा, इसको चाहे थोड़ा सा लिख सकते हैं, तो हमने क्या लिखा था, ये तो हमने कर लिया गया, अच्छा इस बार हमारा थोड़ा सा अलग, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10/25, ऐसा लिख सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं चाहे, बहुत बड़ा टास्क नहीं है, तो आप लोगों से बन जाएंगे, नहीं फिर बना देंगे, अब रही बात कोट और कोसेक वाले, तो इस तीसरा आइडेंटिटी था हमारा, वो क्या था, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में, इस पे भी वही सेम क्वेश्चन क्रिएट होता है, हाँ इस पे भी वही सेम क्वेश्चन क्रिएट होता है, वो क्या होता है, सेम जैसा आपने सेक टैन बनाया ना वैसा इसमें बना सकते हैं, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा एक ब्रैकेट में, और कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा भी एक ब्रैकेट में, इसकी वैल्यू भी बने, तो यहाँ पे कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा ही 1/ कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा के बराबर होंगे, कहीं पे यही बस देता है, कहीं यही लिखा था, और आंसर आता है, इसमें डरिएगा 1/ कोसेक माइनस कॉट मतलब कोसेक प्लस कॉट, ये भी आंसर होता है, ये क्वेश्चन और आंसर है, ये क्वेश्चन आंसर, दूसरा चीज़ में ये भी सोच सकते हैं कि अगर कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू अगर पी दिया है, तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू यहाँ भी 1/P, हाँ 1/ क्या होगा, मिल जाएगा प्रमोद प्रधान अंग्रेजी में, मिल जाएगा जिनके पास अंग्रेजी में होगा एक बार मुझे पीडीएफ भेज देंगे, ठीक है, जिनके पास यूथ पब्लिकेशन अंग्रेजी में होगा मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, मैं अपलोड करवा दूंगा, ठीक है, दूसरे नंबर पर ट्रांसफर करना है, नंबर कैसे ट्रांसफर होगा, नंबर कैसे ट्रांसफर करना चाहता है, इसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था, कोसेक प्लस कॉट बराबर 2, ग्रुप डी में ही आया हुआ है, उसने ऐसे पूछा था एग्जाम में, एक ही क्वेश्चन आया था इसमें, ठीक है, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू 2 दिया था, और पूछा था कॉट थीटा का मान क्या होगा, ठीक है, कॉट थीटा का मान क्या होगा, थोड़ा निकाली इसका, एक ही बार आया 2018 वाले में, बताइए हमको सभी लोग, देखिए अगर हमारे पास कोसेक है तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की जो वैल्यू है वो 1/2 हो जाएगी, अगर इनमें से हम इसको माइनस कर लें, इसको प्लस कर लें, तो ये माइनस हो जाएगा, ये वाला कटेगा, क्योंकि हमको कॉट चाहिए था, तो ये 2 कॉट थीटा की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास 2 माइनस में 1/2 हो जाएगी, तो 2 कॉट थीटा बराबर में ये वाला बड़ा कर लेंगे तो 2 × 4 और कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा, तो कॉट थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो 3/4 हो जाएगी, या तो इसको वैसे भी बोल सकते हैं 0.75, ऐसा डिवाइड भी कर सकते हैं, तो 0.75 नहीं अलग अलग हो सकते हैं, अभी थोड़ा दिन सेम चल रहा है, अलग अलग कर देंगे, कॉट 52 ये आएगा ना, कॉट 52 आ जाएगी, ये बनेगा आपके पास 3/4 आंसर होगा, या तो 0.75 होगा, 75% होता है, दोनों में से कोई एक होगा, व्हाट्सएप नंबर नहीं है, व्हाट्सएप नंबर सबको मैंने दिया था, अभी भी लिख लीजिए 8299274802, ठीक है, और 52 वाली क्लास देख लीजिए, उसमें बताया मैंने कैसे निकाला, ठीक है, उसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा आपको, कल 14 घंटे वाली मैं देखिए, वहाँ पे कंपाउंड एंगल एलाइड एंगल के बारे में क्लास ली गई है, एक क्लास देख लीजिए आपको समझ आ जाएगा, उसका सारा चीज़ कैसे बनता है, कैसे फॉर्मूला क्रिएट करते हैं, कैसे कैसे उसको कन्वर्ट करते हैं, वो सारी चीज़ें ग्रुप डी में नहीं आएगा, ठीक है, कॉट 52 अगर पूछे कुछ से रिलेटेड तो आपको कुछ दिया रहेगा, तभी हम उसमें पूछ सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन और बताइए, जैसे आपके एग्जाम में पूछा गया था, क्वेश्चन क्या इसका आंसर आप निकाल सकते हैं, पूछा था 1/ sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, ऑप्शन में दिया हुआ था, पहला ऑप्शन sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, दूसरा दिया था sec थीटा प्लस tan थीटा, तीसरा दिया था sec थीटा माइनस tan थीटा, चौथा दिया था सिर्फ sec थीटा, कितने लोग आंसर निकाल सकते हैं बताइए जल्दी से, बिल्कुल बनेगा 64 तो बनना ही चाहिए, क्या आप देख के निकाल सकते हैं आप, तो अरे ये ऊपर जाएगा तो इतना ही होगा, ये वाला ऊपर चला जाएगा तो ये वाला बन जाएगा, सीधा सीधा आंसर है, ये दोनों का गुणनफल एक होता है, इसलिए ये वाला ऊपर जाएगा वही सेम बन जाएगा, तो निकाल सकते हैं, ये नहीं होगा, एक क्वेश्चन मैं बताऊँ आप थोड़ा मेरे क्वेश्चन को बताइए, ठीक है, तो मैं बताऊँ इसके क्या बन सकता है, अब क्या आ सकता है उस पर चर्चा करते हैं, अगर मैंने ऐसा क्वेश्चन लिख दिया sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर, थोड़ा नंबर सिस्टम को इसके साथ मिला रहा है, ठीक है, नंबर सिस्टम, और यहाँ लिख दिया √3 और कहाँ तक इनफिनिटी तक, और फिर हमने पूछा sec थीटा का मान होगा तो क्या होगा, एक क्वेश्चन मेरी तरफ से आप लोग ट्राई करिए, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है sec थीटा प्लस tan थीटा का मान अगर मैंने ऐसा दे दिया, ये सब बनेंगे, इस साल ऐसे नए क्वेश्चन आएंगे तो इस तरीके से क्रिएट किए जाएंगे, 12 + 12 रूट में 12 इनफिनिटी तक, तो यहाँ पे sec थीटा का मान क्या होगा, ठीक है, ये दो क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम और दोनों को मिला के बताया, ठीक है, अब आपको क्वेश्चन निकालना है कि इसकी वैल्यू sec की वैल्यू क्या होगी, गलत नहीं करना, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान लगाएगा, बहुत लोग जल्दी जल्दी में 3 आंसर बता रहे, 3 कहाँ से आ जाएगा, 3 अपने थोड़ी आ जाएगा, क्वेश्चन क्या पूछा पहले वो देखिए, पूछा क्या है ये नहीं देख रहे हैं, सिर्फ एक तरफ आप देख रहे हैं,
देखिए इस वाले में क्या होगा, अब इसका आंसर आपको बस पता होना चाहिए, ये वाला तो तीन के बराबर ही होता है, जब नंबर रिपीट होते हुए जाते हैं तो मैंने पढ़ाया भी था आपको, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान तो तीन ही होगा, और हमको सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान निकालना पड़ेगा जो एक बटा तीन हो जाएगा, अगर इनको जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, ये टू सेक थीटा का मान हमारे पास आ जाएगा, तीन गुणे तीन नौ एक दस बटा में तीन, दो से कट जाएगा पांच बार में और आ जाएगा पांच बटा तीन, इसका आंसर पांच बटा तीन। इस वाले के लिए हमने बताया कैसे करते हैं, इसमें फैक्टर बना लेता है चार गुणे तीन का, चार गुणे तीन का, और ये बड़ा वाला आंसर आता है, तो यहाँ से सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान हमारे पास चार आ गया, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान हमारे पास कितना होगा एक बटे चार, जोड़ लेंगे ये वाला फिर से टू सेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी, चार चौके सोलह सत्रह बटा में चार आ जाएगा, और यहाँ से सेक थीटा का जो मान कटेगा तो है नहीं, दो नीचे आ जाएगा तो सत्रह बटा में आठ आ जाएगा, जिनका सत्रह बटे आठ आया हो और पांच बटे तीन आया हो वो अपने आपको सही मानेंगे, रोहित सक्सेना, सियाराम यादव, पच्चीस बटे सात कहाँ से ला रहे हैं हर बार, पंद्रह बटे आठ कहाँ से आ गया, सुमन चौधरी, सुधा कुमारी सही है, रवि नायक बिल्कुल सही है, पप्पू कुमार ठीक है, प्रमोद महाजन, संजय, मैक्सिमम लोग सही है, गलत वाले भी है तो गलत नहीं करना आपको, आसानी से कर सकते, एक और मैं बना रहा हूँ इसको भी ट्राई करिए, मैं और देता हूँ जो आ सकता है उसमें उस पर भी चर्चा करिए, क्योंकि आप ऐसा नहीं नया मिलते ही आप डर जाएगी क्या आ गया, पढ़ाई नहीं था वैसा फील ना हो आपको, इसलिए रूट, चलिए ठीक है रूट फाइव प्लस टू, इस बार भी आपको सेट ठीक ही निकालना है, निकालिए थोड़ा सा और इस क्वेश्चन को लेवल को इंक्रीज करते हैं, चलिए ट्राई करिएगा सभी लोग, अगर क्वेश्चन बढ़ गया लेवल तो क्या करें उसके हिसाब से भी तैयार रहिए, आएगा तो वैसे इजी तो भी, लेकिन आप अपने हिसाब से थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोचिए, फॉर्मूले भी जानना चाहते हैं, फॉर्मूले में डिस्कस नहीं किया, अरे पूछा क्या है थोड़ा इसको देखिए, हाँ पूछा क्या है ये भी सोचना है, आइडेंटिटी क्लियर करिए, नहीं आ रहा, देखिए इसमें क्यों नहीं आ रहा, क्या है ऐसा है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का जो मान होगा वो रूट फाइव माइनस रूट टू, जोड़ देंगे ये कट जाएंगे, ये वाला आ जाएगा टू सेक थीटा, ये वाला भी कट जाएगा, ये आ जाएगा टू रूट फाइव, दो से दो कट जाएगा, सेक थीटा का मान आ गया रूट फाइव, कहाँ पूछता है क्या करना था, फिर से आते हैं कोई बोलेगा ये कैसे आ गया तो वो देखिएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान हमारे पास रूट फाइव प्लस रूट तो था, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान हमको पता है कि वन अपॉन में रूट फाइव प्लस टू आ जाएगा, इसका रेशनलाइज करते हैं साइन चेंज करके, इतना दिन से नंबर सिस्टम पढ़ रहा है किस दिन उसका यूज करेंगे, तो रेशनलाइज करेंगे तो ऊपर वाला तो रूट फाइव माइनस टू हो जाएगा, नीचे वाला ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो रूट फाइव का रूट फाइव में बड़ा होगा तो पांच और दो का दो में बड़ा होगा तो चार, तो ये बचा हमारे पास रूट फाइव माइनस टू, ये चीज आपको सिखाई गई थी, पांच नहीं आएगा रूट फाइव आएगा, पांच नहीं आएगा रूट फाइव आएगा, तो रूट फाइव करेंगे, कॉट बावन का मान नहीं पूछा ऐसा, कौन क्वेश्चन आज बोला था कॉट बावन का मान कभी नहीं पूछेगा आपके ग्रुप डी एग्जाम में, आपको ये कंप्लीमेंट्री भी पूछ सकता है कि अगर कॉट बावन की वैल्यू आपको मान लीजिए दिया कि ए है तो आपसे पूछ सकता है कि सेक अड़तीस का मान बता दीजिए, ऐसा पूछ सकता है, जब इसका मान दिया हो पांच इसका मान दिया हो इसका मान दस, तो ये ऐसे क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि कंप्लीमेंट्री में तो इनका सब नब्बे आता है तो वहां से निकल जाएगा बिना वैल्यू निकाले, उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कहीं से भी, ठीक है आप समझिए कहीं कार्ड सत्रह लिखा हुआ है और कहीं पूछा सत्रह और पूछा साइन तिहत्तर का मान बताइए तो वहां तिहत्तर की वैल्यू निकाली ना तो सत्रह निकाले, क्वेश्चन के टाइप को समझिए मैंने क्या बोला था चार चीज पढ़नी आपको कंप्लीमेंट्री एंगल जिसमें आ जाएगा इस तरीके एंगल, दूसरा पढ़ना आइडेंटिटी जो पढ़ना है, तीसरा पढ़ना आपको फॉर्मूले कुछ फॉर्मूले बस कुछ जो चीज आती है टाइम प्लस फॉर्मूले को एक साथ लिखेंगे उतना ही पढ़िए क्योंकि उससे आएगा तो डायरेक्ट फॉर्मूला आएगा नहीं तो नहीं आएगा, रिकॉर्डिंग क्लास में रहेगी लाइव क्लासेस आपको बोला गया तो लाइव ही लेंगे ना, रिकॉर्डिंग होती है तो बताया जाता है रिकॉर्डिंग है क्लास में बोलता हूँ रिकॉर्डिंग मतलब रिकॉर्डिंग है जिनका ठीक है उनका ठीक है, तो ये तीनों आइडेंटिटी देखिए बेसिक क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन और देख लीजिए 2019 में आरपीए में पूछा था कि साइन थीटा अपॉन वन माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ये मैंने बताया भी था अभी आज ही बताया था आपको, ऑप्शन में लिख देता हूँ क्या ऑप्शन में दिया था जिससे कि आपको दिक्कत ना हो, ऑप्शन में हमारे पास था क्या ऑप्शन है देख लेते हैं बड़े बड़े ऑप्शन होते हैं टेन माइनस एक कोसेक प्लस कॉट टेन थीटा माइनस एक थीटा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और इसके अलावा ऑप्शन में है टेन प्लस एक और चौथा ऑप्शन आपके पास है कोसेक प्लस कॉट कोसेक माइनस कॉट, तो ये चार ऑप्शन दिया है परसेंटेज का भी दे दिया गया है एक बार देख लीजिएगा पीपीटी फॉर्म में दे दिया मैंने, अब देखिए अभी मैंने बताया था थोड़ा देर पहले कॉन्सेप्ट डेवलप करने मैंने बोला कि अगर यहाँ माइनस वाला है ना तो इसके अपोजिट में क्या आएगा वन प्लस कॉस थीटा आएगा और ये साइन इधर नीचे रहेगा साइन थीटा, जब इसमें डिवाइड करेंगे इसको इस वाले में तो ये बन जाएगा कोसेक थीटा और जब इसमें डिवाइड करेंगे तो बन जाएगा कॉट थीटा, लीजिए हो गया आंसर, तो पढ़ने का ये फायदा कि आपको टाइम नहीं वेस्ट करना पड़ेगा उल्टा करके बस लिख देना ये चीज हमने सीखा था थोड़ा पहले, अभी मैं फॉर्मूला नहीं बताया फॉर्मूला नहीं करना ठीक है, अभी मैं सिर्फ आइडेंटिटी की बात कर रहा हूँ और रेशियो की बात कर रहा हूँ जो क्वेश्चन हो सकता है, हो गया ना ये बाकी चीज़ें नेक्स्ट क्लास में करेंगे ठीक है, ज़्यादा नहीं एक दिन ज़्यादा नहीं करना है, नेक्स्ट क्लास में आइडेंटिटीज़